कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। हर एक पर्याय पत्रिका और BDS स्कूल ऑफ लॉ के संयुक्त बैनर तले आज शहर व देश की जानी मानी विभूतियों को नारायणी सुषमा स्वराज राष्ट्रीय महिला सम्मान से नवाजा गया। सेव वाटर सेव डॉटर गोष्ठी व समारोह का आयोजन मेरठ जागृति विहार स्थित BDS स्कूल ऑफ लॉ के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजा मानवेंद्र सिंह, मनु लक्ष्मी, संस्थान के चेयरमैन धर्मेंद्र कुमार शर्मा और पर्यावरणविद डॉक्टर मधुवत्स ने दीप प्रज्वलित कर किया। बेहद मनमोहक इस समारोह को firstbite.tv के कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। लीडर्स डू नॉट फोर्स पीपल टू फॉलो समथिंग, लीडर्स इनवाइट पीपल टू गो ऑन अ जर्नी। विद माय गुड विशेस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। वी वुड आल्सो लाइक टू वेलकम डॉक्टर AK पांडे सर। मैम, सर हमारे सर्विस के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये BDS ग्रुप के साथ हो रहा है और उसके लिए मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगी धर्मेंद्र सर को, जो कि चेयरपर्सन है, लॉ डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं मनोज सर को, और BDS ग्रुप के प्रिंसिपल हमारे गोपाल सर को, क्योंकि इन लोगों के बिना मुश्किल था ये प्रोग्राम करना और मैं बरसों से यहाँ से जुड़ी भी हुई हूँ। आज आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। मेरी पत्रिका जो 2017 में हमने प्रकाशित करा था, उसका पहला जो अंक था, इस पत्रिका को 7 वर्ष आज पूरे हुए हैं। चेयरमैन सर ने मुझसे कहा क्योंकि सर्वित के अंदर आती है ये पत्रिका, तो हम सर्वित को भी हाईलाइट करें जो 15 साल से पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहा है। मेरी पत्रिका 9 लक्ष्यों के साथ शुरू हुई थी। पहला लक्ष्य जनरल अवेयरनेस, सेकंड इज 3 R's अप्रोच, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिवर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सर्व शिक्षा अभियान एंड वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट को मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग के एम्पावरमेंट की, हम लोग ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। और सबसे पहले और साथ ही AK पांडे सर को धन्यवाद दूंगी जो कि लखनऊ से आए हैं, ICR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, न जाने कितने साइंटिस्ट सर ने बना दिए। और दूसरे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं राजेश सर जो पंतनगर यूनिवर्सिटी से आए हैं, इनके अंदर दर्जनों लोग PhD कर रहे हैं, स्मॉल पैकेज बट बहुत बड़ी शख्सियत। उसके बाद हमारे वाइस चांसलर सर हैं सुभारती यूनिवर्सिटी के, जो मेरी संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और सर का बड़ा मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरी छोटी बहन मेघा बदायूं से आई हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और आपको एक दो लोगों का नाम मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो जो लखनऊ से आई हैं मिसेज यूनिवर्स टैलेंटेड रही हैं नीमा पंत मैम, और ये हम्बल होने, मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट अलग चीज़ है लेकिन ये बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं, हमेशा सपोर्टिव रही हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कुछ लोग तो ऐसे जिन्हें मैंने पहली बार आज देखा है। और आज थैंक यू नीमा जी। और टोरेंटो से आई मेरी FB फ्रेंड जो बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छी सिंगर है, और हमारी दोस्ती FB से हुई। मैम वेलकम।